ये वीडियो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे MTR टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई यूएसए से कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो उस ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे कि आज का कामकाज क्या रहा, क्या न्यूज है, क्या अपडेट है। सबसे पहले आज के कामकाज की बात करते हैं, उसके बाद हम उस ऑर्डर की भी बात करेंगे। यहां पर आज के दिन जो शेयर प्राइस है लगभग 0.55% डाउन गया है, लेकिन जो आज के दिन का हाई गया था 2790 के आसपास गया। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको कंपनी का सोट एनालिसिस नजर आएगा और ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको क्लियर करता है कि आगे क्या करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस कंपनी में ना ही कोई थ्रेड है, यानी ना ही कोई खतरा है और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ये शेयर आगे बढ़ेगा, लेकिन न्यूज जरूर है। बट अगर हम कंपनी की ही बात करें तो कंपनी के अंदर 14 स्ट्रेंथ हैं, 2 वीकनेसेस हैं, सिर्फ 2 वीकनेस और 14 कंपनी के पास स्ट्रेंथ है। तो आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूज आई है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमारे सामने चार्ट देखने को मिलता है, आपको मैं इधर ही दिखा देता हूं। ये आपको आज का जरूर लो लग रहा है, 5 दिन का अगर आप देखेंगे आपको 23.28% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा नंबर है, 5 दिन में शेयर प्राइस इतनी तेजी से बढ़ा जिसका कोई जवाब नहीं। पूरे एक महीने का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 22%, लेकिन 5 दिन में सीधा 23% के आसपास ये शेयर इंक्रीज हो गया। और इसी चीज को हम एडवांस चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये शेयर लगभग 24 अगस्त से ही कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 अगस्त के बाद थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन हम कह सकते हैं 31 अगस्त और 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर तक ये शेयर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और अगर कैंडलस्टिक चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो साफ सिग्नल है कि शेयर प्राइस अभी और बढ़ सकता है। यह है मनी कंट्रोल का फोरकास्ट और मनी कंट्रोल का फोरकास्ट ये कहता है कि शेयर के अंदर एक बाय का सिग्नल है। यहां पे थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर नजर आएगा जो कि 5 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा एवरेज है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आज का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। कल डेफिनेटली 24% का कंपनी ने वॉल्यूम गेन किया था, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफी कम ली गई थी और अभी मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 2-3 मिनट बचे हुए हैं और वॉल्यूम आज सिर्फ 6 लाख का ही ट्रेड हुआ है। ये बहुत ही कम है वॉल्यूम। इतने कम वॉल्यूम को देखकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि भाई हाँ, जब तक न्यूज नहीं आ जाती तब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और जब न्यूज आएगी इस कंपनी के अंदर तो वॉल्यूम भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिग शार्क यानी कि बड़े इन्वेस्टर बिरला ग्रुप है, प्लूटस वेल्थ है, एक्सिस ग्रुप है, तो ये काफी पॉपुलर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। अगर गाइज आप ये नहीं जानते कि बेसिकली MTR टेक्नोलॉजी क्या है तो आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद हम आगे कंपनी की न्यूज और अपडेट देखेंगे। ये 1970 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। कंपनी अलग अलग तरह के मशीन इक्विपमेंट्स बनाती है, असेंबलीज बनाती है, सब असेंबलीज बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, और ये जो स्पेयर पार्ट होते हैं ज्यादातर एनर्जी फील्ड के लिए, न्यूक्लियर स्पेस के लिए, एरोस्पेस के लिए या फिर डिफेंस और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं। कंपनी के जो की पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे न्यूक्लियर सेगमेंट कंपनी का की पॉइंट है। स्पेस एंड डिफेंस के अंदर कंपनी 17% से ज्यादा पैसा बनाती है, न्यूक्लियर सेगमेंट में 14% से ज्यादा पैसा बनाती है। सबसे ज्यादा पैसा बनाती है कंपनी क्लीन एनर्जी से, यानी 63% के आसपास, और वहीं कंपनी अदर प्रोडक्ट्स में 6% के आसपास पैसा बनाती है। तो गाइस जो कंपनी के जो की पॉइंट्स हैं ये तो काफी पावरफुल हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, काफी बड़ी कंपनी है, जैसे ब्लूम एनर्जी हो गया, एल्बिट हो गया, राफेल हो गया, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंटर या फिर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कुछ इंडियन कंपनी जैसे HAL, भेल, भारत डायनामिक भी इसके क्लाइंट हैं। तो गाइस क्लाइंट से ही पता चल जाता है कि भाई कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है। बाकी अगर हम ये देखें कि भाई कितना सस्ता शेयर मिल रहा है, क्या ग्रोथ है, तो आपको बताना चाहूंगा 8000 करोड़ की कंपनी है, 78 के पी पे है, यानी शेयर प्राइस हल्का सा महंगा मिल रहा है, बहुत सस्ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ना ही सस्ता ना ही महंगा मिल रहा है, सीधा कंपनी को बताऊंगा कि भाई शेयर आपको महंगा मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा नहीं है।
यहां पर कंपनी की 5 साल की जो सेल ग्रोथ है 29.6% है, जो कि इशारा करती है कि हाँ कंपनी सेल अच्छा कर रही है। और अगर हम कंपनी के लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जैसे हम जाएंगे तो 1 सितंबर की न्यूज है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई न्यूज है या नहीं है, तो मैंने MTR शेयर खोला हुआ है, मैं सिंपली न्यूज पे जाऊंगा। जैसे ही मैं न्यूज पे जाता हूं तो कोई भी ऐसी न्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही कि कंपनी को US से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दूंगा इस काफी अफवाहें बड़े बड़े ब्रोकर रिकमेंडेड कर रहे हैं इसी वजह से कि उनको लग रहा है कि US से बहुत बड़ा ऑर्डर MTR को मिल सकता है। अब कितने चांसेस है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई अपडेट है आपके पास तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।